हल्द्वानी के रामपुर रोड पर कमिश्नर दीपक रावत ने ब्रीड कुल द्वारा बनाए जा रहे 21 किलोमीटर की प्रस्तावित सड़क का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि ब्रीड कुल संस्था द्वारा 21 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण का कार्य 58 करोड़ की लागत से किया जाना है, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था द्वारा ब्रीड कुल द्वारा दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समय सीमा तक सड़क का काम पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 7 मीटर चौड़ी सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए रामपुर रोड बाईपास का पर्यटन की दृष्टि से बेहतर इस्तेमाल हो सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब देखिए, ये जो रोड है टोटल 21 किलोमीटर में 58 करोड़ की लागत से बन रही है। इसमें वाइडनिंग का काम मेनली इसमें होना था, और उसके अलावा वाइडनिंग के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें शोल्डर्स को ड्रेस करना था। तो शोल्डर्स को जो ड्रेस करने वाला काम है और अन्य जो काम है बेल बाबा तक हो चुके हैं। बेल बाबा से ऊपर इसमें जो काम हो रहे हैं उसकी प्रोग्रेस धीरे चल रही है, और आप जानते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच आबादी के बीचों बीच ये है, तो इस तरह से सड़कों को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका एक डेली फॉर्मेट बना दिया, जिसमें ये हर दिन का काम मुझे शाम तक बताएंगे कि पर डे इन किलोमीटर्स क्या लेंथ कवर हुई है उसको दिखवाया जाएगा। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जो सिटी वाला एरिया उसको पहले टेकअप कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में है। ज़्यादा यूज़ में इन द सेंस कि पैदल लोग भी हैं, ख़रीदारी के लिए भी आते हैं, आना जाना भी रहता है, रिहायशी इलाके भी हैं, उनको पहले टेकअप करने के लिए कहा गया है। और दिसंबर तक आप लोगों ने खुद ही बताया है कि आपकी डेडलाइन दिसंबर तक है। कुछ काम अगर ज़्यादा ठंड होने से रुकते हैं, विशेषकर जो बिटुमिन के काम हैं, उसमें कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन बाकी सारे काम दिसंबर तक पूरे करने हैं।